तो क्या हाल है मेरे सभी भाइयों के? भाई लोग, आज मैं आप लोग के लिए ना सामने लेके आ चुका हूँ एक 7 सीटर के अंदर सबसे सस्ती गाड़ी कह सकते हैं हम। ये एक वैन है, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोग तो पहचान ही चुके होंगे, सामने नाम भी लिखा ही दिख रहा है। तो भाई ये देखो, ये अपने को BS6 के अंदर आती है, CNG के अंदर आ गई है, CNG के अंदर अपने सामने खड़ी है। तो एवरेज की बात करें तो ये लोडिंग के अंदर चलती है, ठीक है? करें बात भाई, जो बंदे इधर उधर टैक्सी के अंदर चला सकते हैं वो भी चलाते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फेमस गाड़ी है, शादियों के अंदर सबसे ज़्यादा चलती है ये। और बात कर लेते फ्रंट से, तो भाई कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है। मैट ब्लैक के अंदर अपने को इसका बम्पर देखने को मिल जाता है, मैट ब्लैक ही इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है, बीच में छोटा सा अपने को इसका मारुति का लोगो देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस साइड पे, तो भाई इस साइड पे अपने को लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि है बिल्कुल हेलोजन के अंदर वही पुराने वाले स्टाइल के अंदर। मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, उसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इसको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करना। बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने को नीचे की तरफ किसी भी तरीके की फॉग लैम्प्स देखने को नहीं मिलती, पर प्लेसिंग जो अपने को यहाँ पर प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। बात कर लेते जो भाई इसका फ्रंट का जो बोनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लैंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंजन तो आया ही नहीं है भाई, वैन है तो इंजन है इसका बीच में, दिखाऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं विंडशील्ड की, तो भाई विंडशील्ड के ऊपर अपने को दो ही वाइपर देखने को मिलते हैं, दो ही वॉशर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो ऊपर फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर कुछ खास तो है नहीं, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लैंट है। CNG की बैजिंग अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, स्टिकरिंग कह सकते हैं। आ जाते साइड प्रोफाइल की तरफ, तो भाई साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का गाड़ी का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर भाई अपने को यहाँ पर फेंडर के ऊपर बटन शेप के इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। फेंडर भी देखो भाई काफ़ी ही ज़्यादा छोटा है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया बोनेट छोटा है, तो भाई फेंडर भी छोटा है, ठीक है? तो फेंडर है भाई, व्हील आर्च के ऊपर अपने को किसी भी तरीके की ग्लाइडिंग या फिर हम कह सकते हैं किसी भी तरीके का कुछ भी मैट ब्लैक फिनिश देखने को नहीं मिलेगी। इधर ही तरफ बात करें तो स्टील रिम्स कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं, JK के टायर कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? 13 इंची के टायर अपने को इसमें देखने को मिल जाते हैं। और आ जाते साइड प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल में कुछ खास तो है नहीं भाई, मैट ब्लैक अपने को इसके अंदर ORVM देखने को मिलते हैं, मैनुअली एडजस्टेबल है, ठीक है? रफ एंड टफ गाड़ी मानी जाती है ये, तो यहाँ पर अपने को मैट ब्लैक ही इसके डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। आ जाते हैं इस तरफ, अपने को इस जगह पर इसका CNG का फ्यूल कैप देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का फ्यूल कैप बाहर ही दे दिया गया है। तो जो डोर है इसका भाई, रियर डोर जो है इसका वो स्लाइडिंग के अंदर है, तो उसका जो डोर हैंडल है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है, वो भी मैट ब्लैक ही अपने को देखने को मिल जाएगा। इधर अपने को पूरा स्लाइडिंग का जो मैकेनिज्म है वो देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ भी अपने को कुछ इस तरीके का वो देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ भाई हमारे को पीछे की तरफ यहाँ पर किसी भी तरीके का इसका मड फ्लैप देखने को नहीं मिलता, इस वजह से अपने को पूरा शॉकर वॉकर सस्पेंशन सिस्टम सारा देखने को मिल जाता है इसके अंदर। मैं पहली बोल रहा हूँ भाई रफ एंड टफ गाड़ी है, तो ये वाला सीन आ जाता है। आ जाते हैं इधर, ये भाई 5 सीटर है, 7 सीटर गाड़ी नहीं है, अभी मेरे को पता लगा। पीछे भाई इसमें भी किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी गई है फीचर देने में। ये देख रहे हो दो पार्किंग सेंसर यहाँ पर बटन शेप के देखने को मिल जाते हैं। पीछे यहाँ पर हमारे को भाई जो ये वाली प्लेट है ये क्रोम में देखने को मिलती, इसको देखने को मिल जाती है भाई पियानो ब्लैक फिनिश में। किसी भी तरीके के एम्बलम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ये अपने को स्टिकर है और ये बहुत फेमस है, ठीक है? रियर की जो ये लाइट्स है ना, ये वही पुराना स्टाइल है, इसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर हाई माउंट लैम्प भी उसी जगह पर दिया गया, इसमें भी किसी तरीके का चेंज किया ही नहीं गया है। बात कर लेते हैं इस तरफ, तो भाई ये भी वही वाला साइड है, ठीक है? वैसा ही है सब कुछ, किसी भी तरीके का यहाँ भी चेंज नहीं है। तो ये बेस मॉडल है CNG के अंदर, जिसके अंदर भाई अपने को एंटीना की प्लेसमेंट तो देखने को मिल जाएगी, इधर अपने को प्लेस करवाना पड़ेगा, बट इसको करवाना पड़ेगा क्योंकि इंफोटेनमेंट नहीं है। इधर की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाता है इसका भाई फ्यूल लिड, उस तरफ थी CNG, इस तरफ है फ्यूल, पेट्रोल इधर CNG उधर, अलग अलग रख दिया है दोनों को, मतलब सेपरेट कर दिया अच्छे खासे। इधर देखें तो भाई अपने को नॉर्मल वाला इसका जो डोर पैनल है देखने को मिल जाता है, ये वाले हैंडल देखने को मिलते हैं, वो मारुति 800 के अंदर आया करता था वो वाला सीन है यहाँ पर, ठीक है? जो डोर हैंडल हैं वही ऐसे वाले हैं, मैट ब्लैक नॉर्मल मैनुअल विंडोज़ के कंट्रोल हैं। इधर भाई अंदर चढ़ने के लिए स्पेस देखो कितना ज़्यादा दिया गया है, ये वाला जो चीज़ है ये देखो प्रॉपर पूरा मैट वैट सब कुछ बिछा के बढ़िया किया गया है। अगर लेके चलता हूँ आपको इंटीरियर की तरफ, तो भाई पहले कर देते सीट पीछे नहीं होगी क्या भाई? यार ऐसे मत करो, हो रही है, रुको मैं अंदर बैठ के करता हूँ, ऐसे जो फोर्स होता है वो नहीं लग पाएगा। सबसे पहले अगर यहाँ ही से शुरुआत कर लेते हैं कार के इंटीरियर में, तो भाई यहाँ पर अपने को हेडलाइट लेवलर साथ में फ्यूल का जो स्विच है वो देखने को मिल जाता है। मारुति पहले दिया करती थी भाई वो ऐसे अजीब सा वाला, बट ये ज़्यादा सही है। भाई अंदर बैठ के सबसे पहले तो कर लेते हैं सीट को पीछे, ए आ गई पीछे भाई, अब करते हैं गेट को बंद, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। स्टेयरिंग व्हील देखो भाई, इको का स्टेयरिंग है ये,
किसी हल्की फुल्की गाड़ी में बैठा हुआ नहीं लग रहा इस टाइम पे, लग रहा है मैं जैसे थार के अंदर बैठ गया हूँ, इतनी ऊंची लग रही है गाड़ी में बैठ के। ठीक है, थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील इसका बना दिया गया है, जो कि स्टेयरिंग चेंज करके ना थोड़ा सा मॉडर्न लुक दिया गया है। आपको लेके चलता हूँ अगर इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की तरफ, सबसे बड़ा धमाका तो वहीं दिया गया, मॉडर्न पना वहीं दिख रहा है। ये देखो भाई, डिजिटल के अंदर कर दिया गया है, जैसा वो सामने आल्टो खड़ी दिख रही है, केटन खड़ी दिख रही है, उसके अंदर दिया गया है ना, वैसा ही इसमें दे दिया। कह रहे कि भाई लो, तुमको वरदान दे देते हैं इको वालों को, जो स्पीकर की प्लेसमेंट की जाएगी वो की जाएगी भाई डैशबोर्ड पे इस जगह पर। ठीक है, दोनों तरफ अपने को 4 इंची स्पीकर की जगह दे दी गई है। यहाँ पर नॉर्मल मैनुअल से एसी वेंट है, मतलब मैनुअल क्या भाई इसमें क्या मिलता है, मैं ये देख रहा हूँ जैसे ऑल्टो के अंदर आया करते थे पुराने वाली में, वो वाला सीन है। यहाँ पर अपने को सीट देखने को मिलने वाली है, यहाँ पर भी किसी भी तरीके का कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर आ जाते हैं बीच के सेंटर कंसोल की तरफ, तो भाई इसका जो इंटीरियर है ना, वैसे वो बेज एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर आता है, और जो ये वाला अगर आप पैनल देखो तो आपको आल्टो की याद आ जाएगी, सिर्फ इतना पोर्शन हटा दो तो यही देखोगे आपको आल्टो की याद आ जाएगी। यहाँ पर अपने को इसका हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पर 2 AC के वेंट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही अपने मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पर प्लेसमेंट की जगह दी गई है, बट यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम प्लेस देखने को नहीं मिलेगा। स्टोरेज स्पेस, इधर भी स्टोरेज स्पेस, इधर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, सिगरेट लाइटर पोर्ट कह सकते हैं, इधर एक स्टोरेज स्पेस, इधर भी स्टोरेज स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, वो यहाँ पर भी आपको ये देख के भी आल्टो की याद आने वाली है। हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है। ठीक है, 2 एयरबैग गाड़ी के अंदर अब भाई BS6 नॉर्म्स के हिसाब से बोला गया है, तो 2 एयरबैग कार के अंदर दिए गए हैं। और इधर बात करें तो ये देखो भाई, IRVM इसका नॉर्मल है, डे नाइट वाला सीन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और जो इसका कैबिन लैंप है वो भाई हेलोजन के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। वैनिटी इसमें क्या मिलेगी, रफ एंड टफ गाड़ी के अंदर वैनिटी थोड़ी देंगे, आप लोग क्यों देखोगे अपनी शक्लें। ऊपर भाई कुछ इस तरीके का भाई कार्पेट वाला सीन आ जाता है। आपको लेके चलता हूँ अगर इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, ये क्या चीज़ है भाई। अच्छा देखो भाई, रिक्लाइन करने के लिए ये वाला सीन दिया गया, मतलब इस जगह से हटा के ना इधर कर दिया गया है। चलो आपको लेके चलता हूँ इसके रियर साइड प्रोफाइल की तरफ। तो भाई कार में से उतरते हुए ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी ही ऊँची गाड़ी के अंदर हम चढ़े हुए थे। ठीक है, तो अब आपको रियर साइड का डोर खोल के दिखाता हूँ। ये हमने ऐसे करा, थोड़ा सा डोर बाहर आएगा फिर चला जाता है पीछे, इसको कर दिया हमने बिल्कुल पीछे लॉक। आ जाते हैं हम इंटीरियर की तरफ, तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके का इंटीरियर देखने को मिलता है पीछे की तरफ से। तो ये देख रहे हो, यहाँ पर आके डोर लॉक हो जाता है ऊपर, तो ये रेल ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी है उधर भी है, तीन उस पर चल रही है रोलर्स पे। ये देखो फाइव सीटर गाड़ी बताई है, ये सीट दे दी गई है, स्पेसिंग की किसी भी तरीके की कोई कमी ही नहीं आएगी गाड़ी के अंदर। तो ये वाला सीन आया था कार के इंटीरियर का। पीछे की तरफ के भी भाई जो वो हैं, जो गेट्स हैं और उसके ऊपर जो विंडोज़ हैं, उसे देखो भाई मैनुअल है वो भी। और कर देते हैं अगर हम इसको बंद, क्योंकि हमने को ज़रूरत तो अभी है नहीं बाहर की। ये आया, इसको लॉक करना पड़ेगा भाई, अपने को तो डर लग रहा है, नई गाड़ी है ना, थोड़ा सा ऐसे करके लॉक हो गया ये। अब अगर आपको बूट दिखाऊँ ना, ये तो फ्रंट का हुड है भाई, बूट कहाँ से खुलेगी इसकी। अच्छा हाँ, बूट का तो भाई वो है पीछे। ठीक है, बूट एक्सेस के लिए अपने को वो दिया गया है, तो यहाँ पर ये करा, ये खुल गई है अपनी बूट। ये देखो भाई, इसके अंदर भी यहाँ पर पैनल दिया गया है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कॉस्ट कटिंग नहीं रखी गई है। और ये देखो पूरा का पूरा केज बना दिया भाई CNG सिलेंडर के ऊपर। बात कर लेते हैं, ये देखो CNG सिलेंडर अच्छा खासा दिया गया है। और जो मारुति भाई CNG देती है ना, उसके अंदर अपने को एक कट वॉल बिहाइंड से दे देती है, ये देखो दिख रहा है। और ये देखो भाई स्पेसिंग पूरी है, आप इसके अंदर बैग भरो कुछ भी भरो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन फ्यूचर आप लोग इसके अंदर लोडिंग वोडिंग कुछ भी करो तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है। तो भाई कुछ इस तरीके की अपने को इको BS6 फेसलिफ्ट देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना, सब्सक्राइब बिल्कुल सबसे ज़्यादा करना। एक चीज़ और दिखाऊँ, ये देखो इसके अंदर भाई जो अपने को पीछे की तरफ तो फ्लैट है, तो अपने को यहाँ पर ऊपर रूफ है ना, ये देखो रूफ़ के ऊपर जैसे पानी इकट्ठा हो तो वो इन्होंने ढलान दिया है। देखो ये जो रेल दिख रही है प्रॉपर इसको वाटर ड्रेनेज की बनाई गई है। तो कुछ इस तरीके की अपने को इको देखने को मिल जाती है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।